नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केबी क्लासेस। केबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विवेक कुमार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो आरआरबी टीपीसी के लिए मैंने जो सिलेबस अपलोड किया था, ठीक है, वो उसके सिलेबस के अनुसार हम आज पहला लेक्चर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा, ये हमारा होगा अलजेब्रा से, ठीक है। अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा में जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपका घातांक करने से रिलेटेड है, लेकिन ये अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम आज देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स देखेंगे, फिर बाय ट्रिक देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपका है। तीन टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन टाइप का क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को विदिन आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 3, इस पे रूट चढ़ा दी, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 5 हो गया, 1 हो गया, प्लस हो गया, √5 प्लस 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 5, 1 हो जाएगा, प्लस 1, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका बेसिक देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक है करनी का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ सर्स, ठीक है। मतलब करनी का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। जो क्वेश्चन का हमारा जो फॉर्मेट होगा, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है a+-2√b, ठीक है, इसको याद रखिएगा, a+-2√b इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, या तो इसमें रूट अंडर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 7+√12 रूट अंडर, या तो इसको हम कह सकते हैं कि 7+√12 का वर्गमूल कितना होगा, का वर्गमूल कितना होगा। तो इसको हम पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका जुगाड़ भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां, जब किसी संख्या का रूट अंडर, ठीक है, मतलब यदि आपका रूट के अंडर वाली संख्या का वर्गमूल निकालना हो, इस टाइप का क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना होगा, तो अब क्या कीजिए कि सबसे पहले के रूट के अंदर हमको होल स्क्वायर लाना है। कैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना होगा, ए प्लस बी होगा। क्यों होता है, क्योंकि आपको अंदर में ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, क्योंकि ये रूट का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 1/2। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए कि पहले से स्क्वायर है, आप गुना रूट हटाएंगे 1/2 कर दिया, कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। सेम प्रोसेस आपका सभी जगह होगा, तो इसी को प्रोसेस को हम यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है, इसी मेथड को यहाँ पे लागू करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। करना क्या है कि 12 को 2 पार्ट में जोड़िए, 4 12 जोड़ने पर ये पार्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ये होता है, देखिए क्या, एक जगह क्या आपको 7 है, प्लस की जगह प्लस है, 2 जगह 2 है, रूट की जगह रूट है, बी की जगह 12 है। तो 12 को आप 2 पार्ट में जोड़िए, 4 12, और इसको एड करने पर आपका ये 7 आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, करने पर जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको विस्तार करते हैं कि 4 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √4√3। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसका विस्तार किया, देखिए क्या होगा, √4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 4 3 कितना हो गया, 7, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस जगह प्लस है, ये दोनों को गुणा किया, 4 3 12 वाला पार्ट आ गया। आप देखिए क्या आ गया, a² b² + 2ab, इसको हम लिखते हैं a+b² ये हो जाएगा आपको √4 + √3 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा वैल्यू उसका, √4 √3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, +√3, यही मेरा आंसर हो गया। ये प्रोसेस था हमारा, ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है, इसके तरह से हम सारा क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसका ट्रिक पे, अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा सोल्व हो जाएगा। इसको 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 4 3 12 4 3 7, तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस दे देंगे, माइनस होगा तो माइनस दे देंगे, और इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, कितना हो गया आंसर, 2+√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान के चले दिया है 10 प्लस
टू रूट इक्कीस दिया हुआ है। क्या करेंगे दोस्तों, सात तिया इक्कीस, सात तिया इक्कीस जोड़ने पर दस आना चाहिए, सात तीन दस हो गया, सात यहां लिखेंगे तीन यहां लिखेंगे, प्लस करके रूट जगा देंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौ हो गया टू रूट बीस हो गया। क्वेश्चन का फॉर्मेट यह है ए प्लस माइनस टू रूट बी होना चाहिए। चलिए माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया पांच हो गया बीस हो गया, पांच चार नौ हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर आपका नौ आना चाहिए, मतलब ये वाला आना चाहिए, इसका गुणनखंड करेंगे वही गुणनखंड को जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए, यहाँ पे पांच लिखेंगे यहाँ चार लिखेंगे माइनस लगा देंगे, आंसर हो गया रूट फाइव माइनस टू। फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स प्लस टू रूट फाइव देखते हैं कितना आता है आंसर, अब देखिए कितना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पांच को दो भाग में तोड़ेंगे जोड़ने पर आना चाहिए ये, तो पांच गुना एक हो गया, पांच एक छह हो गया, पांच को यहां लिखेंगे एक को यहां लिखेंगे रूट चढ़ा देंगे आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देते हैं, पांच माइनस टू रूट सिक्स, पांच माइनस टू रूट सिक्स हो गया, तो छह को दो भाग में तोड़ेंगे तो कितना हो गया, तीन दूनी छह हो गया, तीन दू पांच हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये कितना हो गया तीन हो गया, ये कितना हो गया दो हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस करके इस पे रूट चढ़ा देंगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, इसका लागू कीजिए यूज कीजिए सारा सवाल बन जाएगा आपको, ठीक है। आप इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा टाइप का इसका क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि सेवन प्लस फोर रूट थ्री और इसका ऊपर रूट, मतलब सेवन प्लस फोर रूट थ्री का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या इस फॉर्मेट में है, देखते हैं, एक जगह ए है, प्लस की जगह प्लस है, दो की जगह चार है, रूट की जगह रूट है और बी की जगह तीन है, तो हमको यहाँ पे दो लाना है, तो दो कैसे लाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको दो पे रूट चलाना है, वैल्यू वही होना चाहिए, कितना रूट चार हो जाएगा, तीन है और इसपे हमको रूट चलाना है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब उसी संख्या से गुणा करेंगे नौ हो जाएगा, हमको पांच पे रूट चढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, पचो पच्चीस, मतलब अगर किसी संख्या पे रूट चढ़ाना हो और वैल्यू वही हो तो उसपे हम क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे दो है, दो पे हमको रूट चढ़ाना है तो दो पे रूट चढ़ाने के लिए इसपे क्या करेंगे, इसी संख्या से गुणा करेंगे, दो दो चार पे रूट चढ़ा देंगे फिर वैल्यू वही हो जाएगा, तीन पे रूट चढ़ाना है तीन किया नौ वही हो जाएगा, पांच पे चढ़ाना होगा पचो पच्चीस हो गया रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसी को थोड़ा सा यूज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेवन है प्लस चार को हम लिख सकते हैं दो गुना दो रूट थ्री हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं कि सेवन प्लस टू रूट, अब देखिए कि ए प्लस माइनस टू रूट भी है तो दो के बाद जस्ट रूट है मेरा, क्या दो के बाद जस्ट रूट है, नहीं है, हमको रूट लाना है तो दो पे रूट लाने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा करेंगे, दो दूनी चार और ये कितना हो गया थ्री हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व और करते हैं आगे कि सेवन प्लस टू रूट बस आ गया फॉर्मेट में ए प्लस माइनस टू रूट भी हो गया। अब देखिए इसको गुणनखंड करेंगे चार तीन बारह चार तीन सात हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे चार लिखेंगे तीन लिखेंगे प्लस कर देंगे और ये आंसर मेरा कितना हो गया टू प्लस रूट थ्री लिखेंगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि उन्नीस को है यहाँ पे आठ को लिख सकते हैं दो गुना चार रूट थ्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे उन्नीस प्लस टू, हमको टू के बगल में रूट चाहिए तो चार पे रूट चढ़ाने के लिए चार तो सोलह सोलह और बाद में क्या आपका तीन है, तो एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उन्नीस प्लस टू रूट सोलह तीन अड़तालीस, यही आंसर होता है, ये जो टूटता है ना दो पार्ट में यही मेरा आंसर हो जाता है, इसको तोड़ेंगे सोलह तीन अड़तालीस, देख लीजिए सेम डाटा है सोलह और तीन, सोलह तीन अड़तालीस सोलह तीन उन्नीस हो गया, तो इसी को लिखते हैं यहाँ पे ना सोलह यहाँ पे तीन प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस लिखते हैं, कितना हो गया चार प्लस रूट थ्री मेरा आंसर हो गया। अब बचा आपका दो क्वेश्चन, ठीक है इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सेवन प्लस छह रूट सेवन है, अब इसको क्या करेंगे इसी फॉर्मेट हमको लाना है, लाने के लिए क्या करेंगे सोलह प्लस प्लस के बाद हमको दो चाहिए, दो थिया छह हम लिख सकते हैं रूट सेवन, अब देखिए क्या करना है कि दो के बाद रूट चाहिए, दो के बाद क्या चाहिए रूट चाहिए, कितना हो गया सोलह प्लस तीन थिया नौ और ये कितना हो गया रूट सेवन हो गया, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नहीं तो यही आंसर हो जाएगा टू रूट तिरसठ हो गया। अब देखिये तिरसठ को दो भाग में तोड़ेंगे जोड़ने पर कितना चाहिए ये पार्ट आना चाहिए,
ये कितना हो गया 9 × 7 963 हो गया। 9 यहाँ लिखेंगे, 7 क्या लिखेंगे, प्लस करके रूट क्या देंगे, कितना हो गया 3 + √7 मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं कितना आपको 43 − √7 है, ये कितना हो गया 43 − √7 हो गया। क्वेश्चन है आप इसको सोल्यूशन आगे हम बढ़ते हैं, ये 13 इस यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 × √7 हो गया। अब देखिए 43 − 2 है, 2 के बगल में रूट चाहिए तो 6 पे रूट चढ़ाने की संख्या से गुना करेंगे, 36 हो गया और इतना हो गया 1 7 हो गया। अब देखिए ये दोनों को गुना करने पर गुना करेंगे तो ये आपका 36 7 जोड़ने पे आ रहा था, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 36 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, रूट इस पे चढ़ा देंगे, माइनस होकर माइनस लिखेंगे, ये 6 हो गया, 6 − √7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए। आपके जितने भी रिलेशन हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यदि आप NTPC एग्जाम देने वाले जो भी हो उसको पता नहीं कि अलजेब्रा जो मेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है उसको आप शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% एडवांस में से पूछा जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपका एग्जाम। तो चलिए आइए इसका तीसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है कि 3 + √5 को वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक क्या था कि यहाँ पे 2 था, दूसरा टॉपिक 2 था लेकिन किसी के गुणात्मक रिलेशन में था। अब क्या कि 2 है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको इस फॉर्मेट में लाना है। यदि हम यहाँ 2 लाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा कि तुरंत आंसर बन जाएगा इसका। तो चलिए कैसे लाएंगे, तो 3 + √5 है तो हमको यहाँ पे 2 लाना, चूंकि a + √2 चाहिए, एक जगह 3 है, प्लस जगह प्लस है, बी की जगह 5 है, 2 जगह कुछ है ही नहीं। तो जब हम लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका उस फॉर्मेट में आ जाएगा और आंसर वो चला जाएगा। अब 2 लाने के लिए हम कहेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए, यदि ऊपर नीचे हम 2 से गुना करेंगे यहाँ हो गया 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया 3 × 2 = 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 √5 हो गया और नीचे कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब इसको हम अलग कर देते, तो अलग करेंगे कितना हो गया 6 + √5 हो गया और नीचे कितना होगा आपको √2 हो गया। उस फॉर्मेट पर आ गया, देखिए a + √2 का गया फॉर्मेट। अब हम क्या करते हैं कि इसको 2 भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने का ये ना चाहिए, तो 5 × 1 = 5 = 6 हो गया, तो 5 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, इस पे हम रूट चढ़ा देंगे और नीचे पहले से √2 है आपका, तो फाइनली आंसर मेरा क्या हो गया √5 + 1/√2, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ पे 2 चाहिए तो इस फॉर्मेट लाने के लिए आपको यहाँ पे 2 चाहिए तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्योंकि सबके साथ गुना करना होगा तो इसमें आप कितना होंगे 4 × 8 − √7 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया, इस पे रूट हम चढ़ा देंगे। अब देखिए चूंकि ये 2 पार्ट में ऊपर वाला नीचे वाला, तो ऊपर वाला 8 − √7 को हम तोड़ सकते हैं, 7 × 1 = 7 + 1 = 8, ऊपर वाले का वर्ग में कितना होगा 7 और 1, इस पे हम रूट चढ़ाएंगे और नीचे कितना हो गया आपको √2 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया √7 + 1/√2 कितना हो गया आपको √2 हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे 2 चाहिए तो देखिए होता है क्या कि होल के साथ 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे 5 × 10 हो जाएगा, +√2 कितना हो गया आपको 21 हो जाएगा, नीचे कितना आपको 2 हो जाएगा, इस पे रूट जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले नीचे वाले 2 पार्ट में हो गया, 7 × 21 होता है, 7 × 3 = 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 7 हो गया, 3 यहाँ लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, नीचे कितना हो गया √2, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। एक क्वेश्चन और बचा हुआ कि 7 + 45, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 14 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 2 √45, नीचे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। अब देखिए तो 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 14 होता है, 9 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, प्लस करके रूट चढ़ा देंगे, नीचे √2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा 3 + √5 कितना हो गया √2, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग।